स्टूडेंट्स हाउ आर यू। आज देखिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्रेमर रूल से कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। टू लीनियर इक्वेशंस को विद टू वेरिएबल के साथ, थ्री लीनियर इक्वेशंस को थ्री वेरिएबल्स के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। कंसीडर ये सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस इज गिवन बाय a1x b1y इज इक्वल टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो इससे हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, d, ठीक है। अब यहाँ पर हम d निकालेंगे, तो d क्या करते हैं, इसके x और y के कोफिशियंट्स को ले लेते हैं। कोफिशियंट मतलब गुणांक होता है। साइमल्टेनियस मीन्स एक साथ। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें एक एक पावर होता है, ठीक है, वन वन पावर होना चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। अब c1 एक वर्ड और भी आता है, जैसे होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, तो ये आपका नॉन होमोजीनियस है। यहाँ राइट साइड देखिए कांस्टेंट है, तो नॉन होमोजीनियस है। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगा तो आपका होमोजीनियस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी लेते हैं। डी का मतलब ये हो गया कि एक्स वाई के कोफिशियंट्स को लेते हैं, a1 b1 a2 b2, ठीक है। अब हम इसके बाद लेते हैं d1 क्या होता है। d1 में आपको सबसे पहले यहाँ c1 लिखेंगे, c2 लिखेंगे और b1 b2, ठीक है। एंड d2 क्या होगा, d2 में देखिए यहाँ पर a1 आएगा, a2 आएगा और यहाँ c1 c2 आएगा, ठीक है। इसके लिए सबके लिए देखिए कंडीशंस क्या है। कंडीशंस ये है कि अगर डी नॉट इक्वल जीरो है, ठीक है, इफ डी नॉट इक्वल जीरो है देन एक्स इक्वल आता है d1 by d एंड y इक्वल d2 by d, ठीक है। तो यहां से d1 निकाल लेंगे, d2 निकाल लेंगे और आप उस मेथड से d1 by d की वैल्यू निकाल लेंगे और इससे d1 by d2 करके एक्स वाई हम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन आपको हम करके बताएंगे कैसे होगा। हाँ देखिए, ये आपको एक एग्जांपल लेकर के मैं समझा रहा हूँ कैसे करेंगे आप। देखिए इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है सॉल्व बाय क्रेमर रूल, ठीक है। ये आपका 2 cross 2 का है, तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या था आपका, ये था कोफिशियंट्स a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो यहाँ पर a1 क्या आएगा, 2 आएगा, a2 क्या आएगा, y का कोफिशियंट यहाँ पर -1 बना लेंगे, ठीक है। यह आ जाएगा 3 5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 multiply 5 -1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 10 और +3 यह आ जाएगा 13, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे डी नॉट इक्वल जीरो, ठीक है, डी जीरो नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फिर d1 निकाल लेंगे। तो d1 का फॉर्मूला आपका था, ये था c1 c2 b1 b2। अब c1 की वैल्यू आएगी 76 और b1 है आपका -1 5, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 17 multiply 5 और इसमें करेंगे -1 6, तो ये आ जाएगा 85 और +6 ये आ जाएगा 91। अब d2 फाइंड करेंगे तो ये आएगा a1 a2 c1 c2, तो यहाँ पर आप a1 a2 2 3 और c1 c2 17 6, ठीक है। इसमें आपको अगर ये 17 लेफ्ट में है ना तो राइट में ही रखना है, अगर 6 लेफ्ट में है तो राइट में ही रखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 2 multiply 6
माइनस 17 मल्टीप्लाई 3, 12 माइनस 51, और यह आएगा 9 माइनस, यहाँ 4 में 7 गया 3, 39, ठीक है। तो आप यहाँ फाइंड करेंगे x, x इक्वल d1 अपॉन d, अब d1 कितना है आपका, यहाँ है 91, d है 13, y इक्वल d2 by d, और यह आ जाएगा माइनस 39 अपॉन 30, ठीक है, इसको काट देंगे, यहाँ जाएगा माइनस 3, और ये कितना आएगा 7, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। हाँ देखिए, अब आपको हम बताएंगे 3x3 का कैसे सॉल्व करेंगे। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन बाय a1x b1y c1z इक्वल d1 a2x b2y c2z इक्वल d2 a3x प्लस b2y c2z इक्वल d3। ये आपके तीनों इक्वेशंस हो गए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। हाँ देखिए, यहाँ पर b3 होगा, a3x b3 y, और ये आपका हो जाएगा c3z इज इक्वल टू b3। ये आपके थ्री इक्वेशंस हो गए। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले d निकालेंगे। d कैसे आएगा, इसके कोफिशियंट्स को लेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। d1 कैसे निकालेंगे, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ऐसे ही आपका d2 आ जाएगा। देखिए अब ये d1 d2 d3 सेकंड प्लेस पर, सेकंड कॉलम में आ जाएगा, यहां पर a1 a2 a3 ही रहेगा, d1 d2 d3 c1 c2 c3, और d3 आपका आ जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3, ठीक है। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडेड d नॉट इक्वल 0, प्रोवाइडेड मीन शर्त होता है, ठीक है, शर्त ऐसी होनी चाहिए कि d नॉट इक्वल 0, ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू आनी चाहिए कुछ भी 0 छोड़ करके, ठीक है। हाँ देखिए कंडीशंस, इसमें टू केस होते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट व्हेन टू साइमल्टेनियस इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, इसमें फर्स्ट है डी नॉट इक्वल जीरो, इफ डी नॉट इक्वल जीरो then the system of linear equations is consistent, ठीक है, is consistent and has unique solution, मतलब d not equal zero है, then the system of linear equations is consistent, मतलब संगत होता है, इसका मतलब संगत होता है, ठीक है, और इसमें यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल अभी आपने पढ़ा d 1 by d and y इक्वल d 2 by d, ठीक है। सेकंड केस, इफ d इक्वल
0, then d equal 0 and d1 d2 equal 0, then the system of system of equations is consistent and has infinite many solutions. ठीक है, इसमें जब r जीरो हो जाएगा तो इसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। इसमें एक और केस है थर्ड, इफ d इक्वल जीरो एंड एट लीस्ट d1 एंड d2 is non zero, then the system of equations is inconsistent means asangat। इसका मतलब होता है असंगत, इनकंसिस्टेंट एंड देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन। इसमें देखेंगे कि d1 एंड d2 दोनों में से कोई एक अगर जीरो नहीं है तो कोई सलूशन नहीं होगा। ठीक है, केस सेकंड, व्हेन थ्री इक्वेशंस विथ थ्री वेरिएबल्स, थ्री इक्वेशंस और थ्री वेरिएबल्स होंगे, थ्री लीनियर इक्वेशंस विद थ्री वेरिएबल्स अगर है तो फिर केस फर्स्ट होगा, इफ डी नॉट इक्वल जीरो देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस is consistent and has unique solution x = d1 by d, y = d2 by d, z = d3 by d। ठीक है, सेकेंड पार्ट, इफ d इक्वल जीरो एंड d1 d2 d3 इक्वल जीरो देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस has infinite many solutions and consistent। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट भी है इसमें, हाँ थर्ड पार्ट है, इफ d इक्वल जीरो एंड एट लीस्ट वन ऑफ
D1, D2 and D3 is 0, is non-zero, then the system of linear equations is inconsistent. Inconsistent and has no solution. तो फर्स्ट केस में आप देखेंगे अगर ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई कर रहा है तो यूनिक सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा तभी यूनिक सोल्यूशन होगा. इसमें डी एक जीरो है और सभी जीरो हैं D1, D2, D3, तो आप देखेंगे कि इसमें भी कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस. थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है इफ डी इक्वल जीरो एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम D1, D2, D3, इन तीनों में से कोई एक अगर जीरो नहीं है तो देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत है और एंड हैज नो सोल्यूशन, उस टाइम कोई सोल्यूशन नहीं होगा. ठीक है, तो अगर ये आपको केस मालूम है तो क्वेश्चंस करने में बहुत इजी होगा. ठीक है, तो अगले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा सेकेंड पार्ट में कि हम इक्वेशंस को कैसे करते हैं. ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. ठीक है, बाय.